दिल्ली नई आबकारी नीति मामले में आज आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाकर 22 नवंबर 2023 कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 22 नवंबर तय की है। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ जेल के लिए रवाना हो गए। वहीं कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई केस की सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। इससे पूर्व सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश किया था। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के वकील से कहा कि इस मामले में आरोपितों को तीनों चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी मुहैया कराएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा था कि अगर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत एक विशेष अपराध का हिस्सा नहीं है तो संघीय जांच एजेंसी के लिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को साबित करना मुश्किल होगा। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक नई नीति के तहत मौद्रिक कारणों से थोक विक्रेताओं का मुनाफा मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि नई नीति के परिणाम स्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक लाभ दिया गया। हालांकि दिल्ली सरकार और सिसोदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि नई नीति से राज्य के उत्पाद शुल्क में वृद्धि होगी। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।